हिंसा की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, चाहे वह घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो या फिर किसी भी अन्य माहौल का सर्वाधिक शिकार कोई होती थी तो एक महिला होती थी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। और यह अभियान के क्रम में नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। मुझे प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के कार्यक्रम को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर लेकर के कई जनपदों में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और उन बड़े सम्मेलनों के माध्यम से एक उत्साह देखने को मिलता था, इस बात का उत्साह देखने को मिलता था कि आप आने वाले समय में परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने से रोक नहीं पाएगा, 33 सीट उनको प्राप्त होंगी ही होंगी। यह अब केवल एक घोषणा नहीं है बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रही है, क्योंकि यही तो भारतीय संस्कृति कहती है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो देवताओं का निवास तो इसी रूप में होगा। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए जो कार्यक्रम हुए, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, उनका गौरव और सम्मान बढ़ा, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम हुए, तो प्रभु राम लला का विराजमान होना तो स्वाभाविक था ही। तो ये अपने आप में वो कड़ी अपने आप में इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। एक बड़ा अभियान चला है देश के अंदर, पहली बार जिसको फोकस किया गया महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से या एनजीओ, महिलाओं से संबंधित एनजीओ के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करके हम अधिक से अधिक लोगों तक कनेक्ट हो सके। कितना ज्यादा थोड़ा भी उनको प्रोत्साहन मिल जाए तो कैसा कार्य कर सकती है, कुछ उदाहरण आपके सामने हम देना चाहेंगे। 2019 मैं झांसी के दौरे पे गया था, मेरे संज्ञान में आया कि वहां पे महिलाओं के पास बहुत कार्य नहीं है, कुछ वहां पे होना चाहिए। और उस समय हम लोगों ने ग्राम्य विकास से, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी सहायता लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ किया था और उसका नाम रखा था बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का। 6 महिलाओं ने काम प्रारंभ किया था, बुंदेलखंड में आज जो कार्य कर रहे हैं, आज उनके साथ 63,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 63,000 बहनें जुड़ी हुई हैं। उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट लगभग 15 करोड़ का है। और ऐसा नहीं कि वे कोई बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी, किसी विश्वविद्यालय में या किसी कोई वैज्ञानिक है या कोई प्रोफेसर है, ऐसा नहीं है। गांव की सामान्य महिलाएं हैं, सामान्य पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोत्साहन, थोड़ा सा संबंध मिल गया। परिणाम क्या है, आज वह एक यूनिक यानी 63,000 महिलाएं एक साथ आर्थिक स्वावलंबन की तरफ अग्रसर हुई हैं, या बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में 2020 में जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी कोरोना, तो कोरोना में आपने देखा होगा केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी अनेक प्रकार की घोषणाएं कर रही थी, कार्यक्रम आगे बढ़ा रही थी, फ्री में टेस्ट था, फ्री में उपचार भी था, फ्री में वैक्सीन भी था, फ्री में राशन की व्यवस्था भी की गई,
जनधन अकाउंटधारी जितने परिवार थे उनके लिए रसोई गैस के सिलेंडर के लिए भी इंसेंटिव देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई, भरण पोषण भत्ता भी देने का कार्य प्रारंभ हुआ, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को पेंशन की राशि देने की कार्रवाई प्रारंभ, एडवांस में देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब पैसा कैसे जाए? मोदी जी की दूरदर्शिता से पहले से जनधन अकाउंट खोले हुए थे, तो जनधन अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता था। अब गांव के पास तक, बैंक तक पैसा पहुंच जाता था, लेकिन अगले दिन समस्या क्या खड़ी होती थी कि बैंक में लंबी लाइन लग जाती थी लोग पैसा निकालने वालों की। अब कोरोना में तो था कि भीड़ नहीं होने देना कहीं, लेकिन वहां पे भीड़ हो जाती थी। अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए? हम लोगों ने कुछ एक अभियान चलाया कि अगर हम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के अभियान को आगे बढ़ाएं, हर गांव में बैंक की कमी को पूरा करने के लिए इसमें केवल महिलाएं होंगी और वे गांव के लोगों को बैंक न जाना पड़े बल्कि उन बहनों के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 56,000 से अधिक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के चयन की प्रक्रिया एक बहुत पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। आज वे कार्य कर रही हैं प्रदेश में, बैंक की प्रदेश के अंदर सभी 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में बैंक के लेन देन का काम बीसी सखी उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही हैं और वे प्रतिमाह 15,000 से लेकर 1,25,000 रुपया कमा रही हैं, हर महिला कमा रही है। यानी क्या दिखाता है ये? सरकार का थोड़ा सा प्रोत्साहन हो जाए, समाज एक संबल बनकर के खड़ा हो जाए तो ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। आपने चंद्रयान अभियान को देखा होगा, चंद्रयान अभियान में जो महिला वैज्ञानिक हैं डॉक्टर ऋतु कारिधान, इसी लखनऊ की बेटी है। अभी हमने उत्तर प्रदेश गौरव दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर उनका उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया। यानी ये कार्यक्रम क्या बताते हैं कि थोड़ा सा प्रोत्साहन हम देंगे, थोड़ा सा उनके लिए एक सम्मानजनक मंच देंगे तो वे बहुत कुछ कर सकती हैं। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी जी का जनधन अकाउंट का कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना की योजना हो या जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सभी योजनाएं उसी के साथ जुड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये प्रारंभ की, 17,00,000 बेटियां आज इस योजना के साथ जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें 3,00,000 से अधिक बेटियों का दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ये देखकर के हमें आश्चर्य होता है कि जिस गरीब की शादी में पहले कोई नहीं जाता था, आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी सभी लोग उन कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं और भव्य तरीके से पूरे गांव के लोग, पूरे आसपास के लोग हजारों की संख्या में उन शादी ब्याह के कार्यक्रमों में से लोग जुड़ते हैं। यानी अगर समाज के स्वावलंबन के कार्यक्रम को एक व्यवस्थित तरीके से हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी आएंगे। एक महिला का साक्षर होना, एक महिला का स्वावलंबी होना न केवल उस परिवार की आर्थिक समृद्धि का कारण बनता है बल्कि समाज के स्वावलंबन का भी आधार बनता है और स्वावलंबन के साथ साथ सुरक्षा का एक बेहतर माहौल भी उस पूरे माहौल में देखने को मिलता है। और हमारी सरकार तो इस बात के लिए गौरवशाली है, 2017 में जब हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। विपक्ष के पास जिसके पास मुद्दा नहीं उसने अनेक प्रकार से दुष्प्रचार करने का प्रयास किया 2022 में, लेकिन मैं देखता था पश्चिम में जाता था, बुंदेलखंड में जाता था, मध्य उत्तर प्रदेश में जाता था, पूरब में जाता था,
पुरुषों में हो सकता कोई कंफ्यूजन रहा हो, लेकिन प्रदेश की माता और बहनों ने तो एकजुट होकर कहा कि भाई हम कमल के अलावा कहीं कोई वोट नहीं देंगे। सबने कहा, मैं देखता था जहां जाते थे और वे महिलाएं अपने घर के पुरुषों को टोकती थी इस बात को लेकर के कि जो सरकार सुरक्षा दे रही है, जो सरकार सम्मान दे रही है, उस सरकार के साथ खड़ा ना होना संदेह पैदा करता है उन लोगों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी उनके द्वारा की जाती थी। और वे खड़ी हुई, परिणाम क्या रहा, 2022 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार प्रदेश में बनती है। यानी एक सकारात्मक अभियान अगर हम आगे लेकर के चलते हैं, उसके परिणाम भी सकारात्मक आते हैं और उस सकारात्मक परिणाम को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रदेश सरकार ने भी अलग अलग स्तर पर 2020 में हम लोगों ने महिलाओं की बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 2017 में आने के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड को हर थाना क्षेत्र में सक्रिय किया। प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराध को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की और महिला संबंधी अपराध में देश के अंदर सर्वाधिक सजा कराने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। जो हमारा सजा प्रोसिक्यूशन का जो रेट है वह नेशनल एवरेज का दुगना है। कोई अपराधी बच नहीं सकता, मिशन मोड पर उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाती और यह अभियान मिशन शक्ति के रूप में प्रदेश ने व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा प्रदेश ने अन्य अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में जब आगे बढ़ाया है, महिला स्वयंसेवी समूह की बड़ी भूमिका होने जा रही है। महिला स्वयंसेवी समूह या इनसे जुड़ी हुई बीसी सखी हो या टेक होम राशन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये सभी ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को अगर हम लोग हर उस परिवार के साथ संवाद बनाएंगे, देश के अंदर 10 करोड़ बहनों के साथ संवाद बनाना है, 10 करोड़ परिवारों के साथ इन बहनों के माध्यम से संवाद बनाना है, एक बड़ा लक्ष्य है। और प्रदेश ने भी अगर हम इस अभियान को इसी गति के साथ आगे बढ़ाते हैं, जितनी महिला स्वयंसेवी समूह है, जितनी भी टेक होम राशन से जुड़ी हुई बहनें हैं, जितने भी बीसी सखी हैं, कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित है, मातृ वंदना योजना से जुड़ी हुई लाभार्थी है, जनधन अकाउंट धारी है, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का, ये जितने भी अभियान है, इन सभी अभियानों के साथ अगर हम प्रभावी ढंग से आगे जुड़ने का कार्य करते हैं तो कारण में ही कि आने वाले समय में या आधी आबादी 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में फिर से उन्हें भारी बहुमत के साथ चुने जाने की बात आएगी, तब उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होगी तो हमारी आधी आबादी की वो भूमिका दिखनी चाहिए और इसके लिए अभी से इस कार्यक्रम के साथ हमें जुटना पड़ेगा और उस अभियान को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। इस विश्वास के साथ शक्ति बंधन अभियान के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से बीसीआर जी का और प्रदेश और देश भर से आए हुए उन सभी प्रतिनिधियों का जो उत्तर प्रदेश में आए हैं या उत्तर प्रदेश के हैं जो लखनऊ में आए हैं, उनका हृदय से एक बार फिर से उनका अभिनंदन करता हूं, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अयोध्या से जो प्रतिनिधि आए होंगे वे इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि वे देश प्रदेश भर से और देश भर से आए हुए अतिथियों को अयोध्या प्रभु रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था अवश्य करवा लेंगे, जिससे कोई भी बिना दर्शन करे हुए नहीं जाने चाहिए, सबको जाना चाहिए। देखिए अभी मैं परसों में सीमैप भारत सरकार की बहुत अच्छी लेबोरेटरी है यहां पे, उनके कार्यक्रम में गया था। उन्होंने 15 राज्यों के 4000 किसान बुलाए थे और उन 4000 किसानों के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई आप बताइए कि क्या हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा साहब हम तो आपको इसलिए बुलाए हैं कि आप अयोध्या का दर्शन हमें करा देंगे। उन्होंने एक ही बात मेरे सामने रखी, उन्होंने कहा बाकी तो हम खेत में तो मेहनत हम करते हैं, हमें
पिछले 9 वर्ष के अंदर सब कुछ मिल गया है। अब एक अंतिम इच्छा है जो एक किसान कहता है, जब वो संबोधित कर किसी भी, यानी आप उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर कहीं जाएंगे, किसान का संबोधन क्या होता, सबसे प्यारा संबोधन राम राम का होता है। अलग अलग भाषा हो सकती है, कोई राम राम कहता है, कोई राम राम सा बोलता है, कोई राम राम जी बोलता है, कोई अलग अलग प्रकार से। तो कहा एक बार हम भी चाहते हैं कि लखनऊ तक आए हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि यहां से अयोध्या की दूरी कितनी है। तो मैंने तो ये भी कहा, मैंने कहा यहां के से अयोध्या की दूरी तो मात्र 1.5 से 2 घंटे की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा हम पैदल चले जाएंगे। मैंने कहा पैदल हमें चाहिए, हम गाड़ी की व्यवस्था करेंगे और अच्छी गाड़ी से आपको लेके भी जाएंगे, दर्शन भी करवाएंगे। और मैं चाहूंगा कि शक्ति वंदन अभियान के क्रम में जो भी बहने और जो भी अतिथि बाहर से आए हैं, जो प्रतिनिधिगण आए हैं, वे अवश्य अयोध्या का दर्शन करेंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।